पहले टीडीपी की राय हुई जुदा, फिर राजभर ने की बगावत, अब नीतीश ने उठाए सवाल। जी हां, पिछले कुछ समय से बीजेपी के दिन सही नहीं चल रहे हैं। पहले तो यूपी उपचुनाव में 2 सीटों पर मिली हार, फिर केंद्र में सहयोगी पार्टी टीडीपी के साथ छोड़ने के बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। यूपी में बीजेपी के सहयोगी दल के नेता ओपी राजभर के विरोधी सुरों के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी विरोधी सुर सामने आने लगे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि वे किसी भी गठबंधन के साथ रहें, परंतु उनकी मूल धारणा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। नीतीश ने कथित तौर पर भाजपा पर निशाना साधते हुए दो टूक कहा कि वे भ्रष्टाचार और समाज को तोड़ने व विभाजित करने वाली नीति से समझौता कभी नहीं कर सकते। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के एक बयान का समर्थन करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि भाजपा को अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी धारणा को बदलना होगा। साथ ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को हम लोगों ने छोड़ा नहीं है। आपको बता दें कि पिछले साल जुलाई में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके बिहार में सरकार बनाई थी। टीडीपी और राजभर के बाद नीतीश के विरोधी सुर बीजेपी के लिए नई मुसीबत खड़ी कर सकते हैं।